प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, शलोम। खुदावन के पाक पवित्र और ब्लेस्ड प्रेजेंस में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारा ईमान है कलीसिया कि आप सभी लोग बहुत ब्लेस होंगे और आज आप बहुत सारा आनंदित होंगे। हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड और स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज के दिन उस परमेश्वर ने अपने दास को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो खुदावन की रूह को बचाए और बहुत सारे लोग उनके द्वारा खुदावन को जाने और अपने उद्धार को ले। जैसे वचन बताता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे बहुत सी जातियों पर, बहुत सारे लोगों पर भविष्यवक्ता ठहराया। ऐसे ही उस खुदावन ने अपने दास को माँ के गर्भ से ही चुन लिया था बहुत सारे लोगों की चरवाही करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन के दास अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी 2002 में खुदावन के सत्य को जाना तो वो लगातार बढ़ते गए, खुदावन के साथ बढ़ते गए, खुदावन के साथ वफादारी में, बीज बोने में, उसकी आज्ञाओं को मानने में लगातार बढ़ते गए। समा बीतता गया, समा निकलता गया और समा आता है 2008 का। 2008 में खुदावन के दास रूह को बचाने की सेवा करने लगे। वो घर घर जाते, नगर नगर जाते और खुदावन के सत्य का और खुदावन के प्रेम का सुसमाचार सुनाते। और बहुत सारी ऐसी रूहें जो आज सत्य को ना जानकर भटक रही उनको बचाते और खुदावन के साथ उनको जोड़ते। लगातार वो परमेश्वर के कामों में बढ़ते गए और समय आता है 2017 का। तो कलीसिया, जैसे खुदा का कलाम बताता है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसने कहा यदि तू मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं तेरे लिए आकाश रूपी जरोखे खोलकर तेरे लिए अपरंपार ब्लेसिंग की वर्षा करूं, मैं तुझे ऊंचा करूं, मैं तुझे सब लोगों से श्रेष्ठ ठहराऊंगा। तो कलीसिया, ये वचन 2017 में परमेश्वर के दास के जीवन में पूरा हुआ। 2017 में परमेश्वर ने अपने दास को दबुर्जी में चर्च के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के दास उस चर्च में, आप जानते हो कि बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे हालातों को फेस करते रहे। बारिश का आना, तूफानों का आना, वो लगातार संति को रोकते ना थे, वो लगातार खुदावन की महिमा में लगे रहे और लगातार खुदावन उनके मुख से बलवाता था कि आने वाले समय में परमेश्वर में बहुत ब्लेस करेगा, परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ाएगा। ऐसे कलीसिया, तो सचमुच परमेश्वर ने देखा उनकी इस सेवा को कि कैसे वो सिचुएशन में भी, जैसे पॉलस कहता है कि ना महामारी, ना अंधकार, ना हनेरी, ना वर्षा, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ऐसा ही प्रेम परमेश्वर के दास के अंदर है। वो लगातार सिचुएशन को ना देखकर बढ़ते गए कलीसिया, वो वफादारी के साथ जब जब वो उन्नति में बढ़ते गए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ, जब जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में बढ़ते गए, तो सचमुच परमेश्वर लगातार लगातार उन्हें प्रेरित करता था, उत्साहित करता था, उनके मन में डालता था कि एक दिन तेरे पास बहुत बड़ा चर्च होगा। तो सचमुच वो लगातार इस बातों के लिए बने रहे, इन बातों में लगातार बने रहे। और समय आता है 2021 का, तो सचमुच कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में परमेश्वर ने अपने दास को इस बड़ी चर्च के साथ ब्लेस किया, खुदावन ने आशीष किया। आज इस चर्च में बहुत सारी रूहें आती, उद्धार पाती और परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को जानकर ब्लेस लाइफ और वो जीवन जो जीवन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और वो भी चोखा और ब्लेस जीवन दूं। आज लोग इस हजूरी में आते, इस चर्च में आते और चोखा जीवन पाते और अपनी आशीष और अपनी बरकतों को लेकर जाते। तो सचमुच कलीसिया, आज खुदावन ने अपने दास को बहुत ब्लेस कर दिया है। आज खुदावन
उनके द्वारा अपने सुसमाचार को आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री तक लेकर जा रहा है। आप देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर उनको अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग सिटी में यूज करें, यहाँ तक कि परमेश्वर उन्हें अलग अलग देश में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने दास को इतना ब्लेस किया, आगे बढ़ाया, ऊंचा किया, आपको भी परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस कर चुके, आशीष कर चुके, आगे बढ़ा चुके यीशु नाम में। हालेलुया। एक बार फिर से हमारी ओर से हमारे आत्मिक पिता को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को हैप्पीएस्ट बर्थडे, लव यू पापा।